कॉमेडी फिल्म में करना चाहते हैं फाइटर एक्टर ऋतिक रोशन अक्षय अजय की राह पर चल तोड़ेंगे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म फाइटर पहले वीकेंड पर इंडिया में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी, लेकिन पांचवें दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण भी नजर आ रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर बात की है। ऋतिक रोशन ने बताया कि वह किस तरह की फिल्म करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म फाइटर स्टार ऋतिक रोशन ने क्या कहा है। ऋतिक इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म को उनके फैंस पसंद कर रहे हैं। इसी बीच ऋतिक रोशन ने पिंक पिला के साथ बातचीत करते हुए बताया कि वह पिछले कुछ समय से कॉमेडी फिल्म करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक कॉमेडी फिल्म करने के लिए उतावला हो रहा हूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है और ना ही कोई कलाकार साथ आए। मैं अमेरिकी कॉमेडी फिल्म हैंगओवर जैसी कहानी की तलाश में हूँ, क्या पता जल्द कुछ हो जाए। इस तरह से ऋतिक रोशन ने अक्षय कुमार और अजय देवगन को टक्कर देने के लिए सोच लिया है। दरअसल अक्षय कुमार और अजय देवगन कॉमेडी फिल्म में करते नजर आते हैं। वही फिल्म ने जिस तरह से शुरुआत की थी, लेकिन वैसा रिस्पांस आगे नहीं मिला है। गौरतलब है कि फिल्म के लीक होने से और खाड़ी देशों में बैन से मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ा है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर के अलावा करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय भी नजर आ रही है। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट लेने के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।